देखिए, बालों तो जानबूझ करके सरकार ने उसको किल्लत बनाई हुई। जब तक आप नीलाम नहीं होता है तब तक आप बालों को फ्री कर दीजिए। झारखंड से बाहर बालों ले जा रहा है, उसको पकड़िए, उसको गिरफ्तार करिए, उनके ऊपर केस करिए। जीएन भारत देख रहे हैं आप। जीएन भारत देखने वाले हमारे तमाम दर्शकों का स्वागत है। छठे विधानसभा सत्र के आज अंतिम दिन जो है, राज्य में बालों की किल्लत पर जोरदार तरीके से प्रदर्शन देखा गया। विधानसभा के बाहर भाजपा विधायकों ने बालों की किल्लत का मुद्दा बनाकर सत्ता पक्ष को घेरने का पूरा प्रयास किया। वहीं बालों की किल्लत पर जो है, बाबूलाल मरांडी यानी भाजपा के बड़े नेता बाबूलाल मरांडी से जब सवाल किया गया तो उन्होंने राज्य सरकार पर ही बड़ा आरोप लगा दिया। उन्होंने कहा कि बालू की किल्लत का बहाना बनाकर जो है सरकार अवैध वसूली कर रही है, यानी बाबूलाल मरांडी ने एक बड़ा आरोप लगाया है। तो बाबूलाल मरांडी क्या कह रहे हैं सुनाते हैं आपको। हमेशा आएगा सर, मतलब फोटो ही आना चाहिए ना बाकी। सर सर, 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 सर। बालू को लेकर काफी हो हंगामा हो रहा है सर, कहा जा रहा है गरीबों को मिल रहा है बालू। देखिए, बालू तो जानबूझ करके सरकार ने उसको किल्लत बनाई हुई ताकि उसमें अवैध कमाई हो सके जी। कैसे कर रहा? और इसलिए हमने तो बार बार सरकार से कहा है, सदन में भी मैंने पिछले सत्र में कहा था कि भाई जब तक आप नीलाम नहीं होता है तब तक आप बालू को फ्री कर दीजिए ताकि अपने घर बनाने के लिए झारखंड के अंदर में लोग उसको ले सके। और बॉर्डर पर आप चेक पोस्ट लगा दीजिए, इलीगल अगर कोई झारखंड से बाहर बालू ले जा रहा है उसको पकड़िए, उसको गिरफ्तार करिए, उनके ऊपर केस करिए। सर, मैया सम्मान योजना का राशि नहीं आया अभी तक, नहीं मिली है सर। अभी वो और देखेंगे ना, और वो गड़बड़। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।